आज पूरे मुल्क को पता चल गया कि कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी लोग हैं। ये जो 3 दिन से यहाँ पे G20 का जो डेलीगेशन फॉरेन कंट्री से बाकी मुल्क 20 मुल्कों से यहाँ पे तशरीफ आवर हुए हैं कश्मीर की वादी कश्मीर के अंदर, खासकर उन्होंने जो क्याम किया है डल झील के अंदर, जहाँ पे उनको कश्मीरी फनकारों ने उनके स्वागत किया है, फूलों से उनको वेलकम किया है। हमें उम्मीद है कि आज तीसरा दिन है जो ये डेलीगेशन यहाँ पे तशरीफ आवर हुए हैं, तो हमें उम्मीद है जो टूरिज्म में बढ़ावा होगा और डेवलपमेंट में बढ़ावा होगा, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि बार बार ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए वादी कश्मीर के अंदर। आज वो देखेंगे निशात शालीमूर गार्डन देखेंगे और श्रीनगर के जो जितने भी देखने वाले जगह हैं उनको देखेंगे, यहाँ पे दरगाहें हैं उनको देखेंगे, यहाँ जिस कश्मीर को हम देखते हैं ये फ़कीरों की ये बुज़ुर्गों की एक वादी है, एक रियासत है, इस कश्मीर को हमने सजाया है और हम वेलकम करते हैं इस डेलीगेशन का कि वो आए, वो बार बार आए वादी कश्मीर के अंदर और जो हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलेगा, इससे फॉरेन कंट्री से टूरिज्म आएंगे यहाँ पे, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको पता ही होगा कि उनको यहाँ पे हर नियामत से नवाजा गया है, 2 दिन में कश्मीरी वाजवान भी उनको दिया गया है और जितने भी कश्मीरी कहवा उनको पिलाया गया है। कश्मीर के जो लोग हैं वो मेहमान नवाज लोग हैं। आज पूरे मुल्क को पता चल गया कि कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी लोग हैं, पूरे दिल खोल के उनको वेलकम किया है।